जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आजकल कोरोना वायरस फैली हुई है और माहिरीन मशवरे दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि घरों में रहें, एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं। दोस्तों याद रखो, ये जो कुछ हमें बताया जा रहा है ये हमारे ही फायदे के लिए है। इसमें न तो हुकूमत वक्त का कोई फ़ायदा है, न डॉक्टरों का कोई फ़ायदा है। जो हमें बता रहे हैं हमारे ही फायदे के लिए। जितनी एहतियाती तदाबीरें बताई जा रही हैं उनको अख्तियार करना चाहिए। और इसके अलावा जो उलमा कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। डॉक्टरों का काम इलाज करना है और उलमा भी अपनी राय दे रहे हैं कि इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो। हाँ, सियासत में करो, इसके ऊपर बीमारी या आज़ाद में सियासत नहीं होती, ये बुरी चीज़ है। अब ये वक्त किसी पर तनकीद करने का नहीं है, ये वक्त अपना इल्म चमकाने का नहीं है, ये वक्त शोहरत हासिल करने का नहीं है, बल्कि इंसानी हमदर्दी के तहत जिसके साथ जितनी वफा कर सकते हो। अब एहतियाती तदाबीर है, मुल्क भर में लॉकडाउन है, अगर आप किसी गरीब की मदद कर सकते हो तो उसकी मदद ज़रूर करो, अगर किसी के साथ भलाई कर सकते हो तो उसकी भलाई ज़रूर करो, और अपनी जान की भी हिफाजत करो, अपनी हिफाजत करो, अपने आप को बचाओ। जो कुछ डॉक्टर कह रहे हैं उन पर अमल करो, जो कुछ माहरीन कह रहे हैं, मालिक कह रहे हैं, क्योंकि जान बचाना आपके फर्ज है। और सेहत हज़ार नेमत है, जान है तो जहान है। और ये जो अजाब आता है ये हमें शोहरत के लिए नहीं आता कि हम बड़े बने खान बन बैठे, बल्कि इस्तग़फ़ार के लिए सर झुकाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह माफ़ कर दे, जो गुनाह हमसे हुए हैं माफ़ कर दे। आइंदा अपनी मसाजिद को आबाद करें और घरों के अंदर इस्तग़फ़ार करें, तौबा तैयार हो जाएं। जो गलतियाँ हमें किसी का हक मारा है तो उससे माफ़ी मांगें, हुकूकुल्लाह अल्लाह क़यामत के दिन चाहेगा तो माफ़ कर देगा। किसी का दिल दुखाया है, दुनिया में किसी को अजियत दिए, वो अल्लाह माफ़ नहीं करता। इन चीज़ों से भी परहेज करें। अगर कभी किसी दोस्त का, किसी साथी का, कभी किसी उस्ताद का या किसी बड़े का, वालदैन का, किसी भी किसी भी दिलादारी हो तो माफ़ी मांगे, क्योंकि सदाब से अल्लाह बचा रहे, लेकिन मरना तो एक दिन भाई है। इससे पहले कि हमारे रूह का